त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण का मतदान शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गया है। लोहरदगा जिले के अति नक्सल प्रभावित किस्को और पेशरार प्रखंड में निष्पक्ष चुनाव के बाद पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा बूथ एजेंट की उपस्थिति में मतपेटियों को सील किया गया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतपेटियों को शहरी क्षेत्र स्थित कृषि बाजार समिति परिसर में बनाए गए व्रज गृह रखकर सील किया गया। अब इन मतपेटियों को 17 मई के दिन पूरी प्रक्रिया के बाद खोला जाएगा। चुनाव संपन्न होने के बाद पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा अन्य मतदान कर्मियों और अलग अलग प्रत्याशियों के बूथ एजेंट की उपस्थिति में आवश्यक प्रक्रिया के तहत सील करने की कार्रवाई की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतपेटियों को रखा गया है। बता दें कि ये मतपेटियां सिर्फ किस्को प्रखंड का आया हुआ है, जबकि पेशरार प्रखंड का मतपेटियों का फिलहाल प्रखंड में ही व्रज गृह बनाकर सुरक्षा की दृष्टिकोण से रखा गया है। पूरी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। आज हमारे प्रथम चरण के जो 181 बूथ थे पेशरार और किस्को के, उनका बहुत ही अच्छी तरीके से चुनाव संपन्न हो गया है, क्योंकि सब जगह से अच्छी ही खबर आई है और मतदान का जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी ठीक रहा है। तो अभी कुछ मतदान केंद्र हैं जो आज रुके हुए हैं, क्योंकि वो ऐसी एरियाज में है जहाँ पर शाम को हम लोग मूवमेंट नहीं करते हैं, बट बाकी ब्लॉक्स के आज आ रहे हैं बैलेट बॉक्स। यहाँ पर टेबल्स लग गए, अराउंड 5 कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, तो पेशरार किस्को के जितने भी बैलेट बॉक्स आ रहे हैं वहीं पे जमा होंगे, प्लस जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी डायरीज और बाकी जो प्रपत्र हैं वो सब जमा होंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।